अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं अपना रिजल्ट लेने जा रहा हूँ, तो आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये रही जी मैम और ये रहा जी अयान। तो चलते अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जा रहे हैं अयान के स्कूल। अयान का आज रिज़ल्ट है, तो चलते हैं अयान का रिज़ल्ट लेने चलते हैं और देखते हैं जी अयान ने क्या पोजीशन ली है। और ये रहे अयान के पापा। तो यहाँ पे जी हम रिक्शे में बैठने लगे हैं। जैसा कि आपको पता है, अयान का स्कूल चांदनी चौक है और काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो रिक्शे में बैठ के जी हम जाने लगे हैं चांदनी चौक। आगे आपको मिलेगी ट्रैफिक, जो कि रावलपिंडी का मेन इशू है, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। और जी अब यहाँ पे अयान के स्कूल पे हम आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था इवेंट, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। सॉरी। तो यहाँ पे जी तमाम टेबल्स लगे हैं, नर्सरी प्रेप ग्रेड वन ग्रेड टू एंड आगे यानी कि भर्ती जा रही हैं क्लासेस। तो यहाँ पे ये वो पेपर्स थे जो कि बच्चों ने दिए थे, ये पेरेंट्स चेक करते हैं, उसके बाद जो उनको रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पे जी वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का कप रखा हुआ था। ग्रेड वन की टीचर आई हुई थी लेकिन अभी तक अयान की टीचर नहीं आई थी। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह माशाल्लाह अयान ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, फुल फुल मार्क्स माशाल्लाह लिए हैं इन्होंने, बहुत अच्छे इनके मार्क्स थे। तो यहाँ पे जी अयान बहुत खुश है, सबको बताता फिर रहा है कि मैंने पोजीशन लिया। यहाँ तक कि रिक्शे वाले को भी इन्होंने बताया, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पे जी हम आए हैं अयान को नाश्ता करवाने के लिए। तो अब जी हम यहाँ पे जी रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं। तो हम नाश्ता करने लगे हैं जी हलवा पूड़ी का। बहुत ही अच्छा इनका ये होटल था, बहुत नीट एंड क्लीन था। नीचे इनकी मिठाई की शॉप थी, नाम आगे मेन्यू पे आपको नज़र आ जाएगा। अभी मुझे नाम याद नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे अलाउ नहीं है कि मैं बाहर जाके व्लॉगिंग करूं और वॉइस रिकॉर्ड करूं। आपको पता है हस्बैंड के साथ जाना और फिर उसमें जी व्लॉगिंग करना और साथ साथ बोलना भी, नाश्ता करने आए गोलगप्पे खाने ट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बोलती। तो यहाँ पे जी हम आके बैठे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट एंड क्लीन ये रेस्टोरेंट बना हुआ था, मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्यारा लगा ये। और हम उस तरफ बैठे थे जहाँ से विंडो से बाहर का व्यू नज़र आ रहा था। अयान ये देखिएगा अभी यहीं पे आके बैठेगा, अभी वो वॉशरूम गया हुआ है। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। जी फैसल जी बताएं, आज अयान फर्स्ट आया, आपको क्या फील हो रहा है? माशाल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझको, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक औलाद की कामयाबी में सबसे ज़्यादा खुशी उसके बाप को ही होती है। ये बात तो आपको आपने बिल्कुल सही कही। हाँ जी अयान, आपको कैसा फील हो रहा है आज आप फर्स्ट आए हो? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये क्या मिला है आपको इसमें? मम्मा क्या जी इनमें ओपन कैंडी है, ओपन करके दिखाओ। ओपन ओपन नहीं हो रहा, एक मिनट में आपको ओपन करके दिखाता। यहाँ पे ऊपर ये देखिए रबर है, शॉर्पनर है, स्वीट्स हैं, ये देखिए कैंडीज, ये देखिए ट्रॉफी। आपको सही। तो यहाँ पे जी हमारी पूड़ियाँ आ चुकी थी, हमने जी हलवा पूड़ी ऑर्डर की थी। तो यहाँ पे अयान को नाश्ता करवाने के लिए स्पेशल हम लेके आए हैं। आगे फैसल का रिव्यू सुने जी। यान मैंने किस लिए मंगवाई है बेटा? एक अच्छा हाँ। बताएं आपको यहाँ की हलवा पूड़ी कैसे लगी? बहुत अच्छी है और जायका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अलहम्दुलिल्लाह।
तो ये जिस शॉर्ट क्लिप जी अयान ने लिया है अपने कप का आप लोगों को दिखाने के लिए, आगे जो इसने गिफ्ट छोटे छोटे से सरप्राइज़ लिए हैं वो भी आपके साथ छोटे छोटे से ये क्लिप शेयर कर रहा है। इन क्लिप्स का मुझे नहीं पता था कि इसने ये बनाया है, लेकिन मैंने ये भी शेयर कर दिया क्योंकि उसकी खुशी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद जी ये रशीद रिफ्रेशमेंट है जी, जहाँ पर हम आए थे, अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो आज जी मैंने आप के साथ अपने हस्बैंड को भी शेयर कर दिया है, उनका भी फेस रिव्यू कर दिया है मैंने, दिखा दिया है, फेस रिवील कर दिया है जी मैंने। रशीद स्वीट्स है ये, जो हम जब निकलने लगे थे वहाँ से तो मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया, मैंने कहा आप अगर आए तो आप यहाँ पे आइएगा, बहुत ही मज़े की यहाँ की हलवा पूरी थी जी। तो घर हम वापस आ चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे आयाने मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजिशन जी इसकी है, वन पोजीशन यानी कि फर्स्ट आया है ये, और काफ़ी अच्छा इसने रिज़ल्ट लिया है, ए प्लस लिया है, तमाम पेपर्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जस्ट इसके मार्क्स जो कम हैं वो सिर्फ मैथ में कम है, लेकिन फिर भी उसकी रीज़न ये थी कि बहुत ज़्यादा इसकी छुट्टियां भी हैं, छुट्टियां की हैं काफ़ी ज़्यादा, इसकी तबीयत भी ख़राब रही है। तो लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सा इसने यानी कि अपना जो फाइनल एग्ज़ाम था वो पास कर लिया है। तो अल्लाह का शुक्र है, जितना उस रब का शुक्र अदा करूं कम है। फर्स्ट पोजीशन ली है तो बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, मैंने पेपर्स भी इसके सारे चेक कर लिए थे, बहुत अच्छे इसने पेपर भी हल किए हैं, बल्कि यहाँ तक कि जो एक्स्ट्रा इसने क्वेश्चन दिए होते हैं ना, उन्होंने कहा होता है कि आपने टू में से यानी कि थ्री में से टू लिखने हैं या फोर में से सिर्फ आपने थ्री यानी कि सवाल को हल करना, तो इसने माशाल्लाह यानी कि फोर के फोर ही हल किए हुए थे, और टीचर्स भी इसे यही कह रही थी कि ये एक्स्ट्रा वर्क भी करता है। तो मैंने इसे यही समझाया हुआ था क्योंकि बास टाइम होता यह है कि अगर एक सवाल में से मिस्टेक हो जाए ना, अगर आपने दूसरा ठीक किया होता तो उसके फुल फुल मार्क्स मिल जाते हैं आपको, लेकिन ये था कि थोड़ा सा मैथ में मिस्टेक होगी, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बेस्ट करेगा ये। चलें जी, इसी के साथ अब आप हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।